खबर बांदा जनपद से, जहां बबेरू कस्बे में एक शराबी पति ने अपनी पत्नी की गर्दन काट दी। तभी पत्नी ने तेजी से आवाज लगाई तो लोगों ने पुलिस वालों को जानकारी दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने घायल महिला को आनन फानन में बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं शराबी पति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला बबेरू कस्बे के अतर्रा रोड साधु थोक का है, जहां की रहने वाली गणेश शंकर सोनी ने अपनी पत्नी ज्योति उर्फ मन्नो सोनी को शराब के नशे में गर्दन काट दी। जैसे ही पत्नी ने चिल्लाया तब गणेश शंकर सोनी की बहन ने पुलिस को सूचना दी। तभी पुलिस ने पहुंचकर गंभीर हालत देख बबेरू सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया, जहां पर डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार करने के बाद गंभीर हालत देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया। वहीं आरोपी पति गणेश शंकर सोनी को चाकू सहित पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरी घटना की जांच पड़ताल में जुट गई है। वहीं परिजनों ने बताया कि अभी 16 फरवरी 2020 में इन दोनों की शादी हुई थी। आपको बता दें, बबेरू कस्बे में 18 दिन पहले 9 अक्टूबर को किन्नर यादव नाम के युवक ने अपनी पत्नी के चरित्र पर शक करते हुए गर्दन काट कर कोतवाली पहुंच गया था, जिससे पूरे कस्बे में सनसनी फैल गई थी। वहीं यह कस्बे की दूसरी घटना है जिससे एक बार फिर पूरे कस्बे में सनसनी फैली हुई है। बबेरू बांदा से कमलेश चौरसिया की रिपोर्ट। मामला हुआ ये कोई पारिवारिक मामला था, इनके माँ बाप का लड़ाई थी और झगड़ा था कि घर से अलग बनाओ खाओ। उसी विवाद कार से दारू पी के लड़का रोज ड्रामा भी करता था साला घर में, वही कार से अपनी पत्नी को गर्दन से गणेश से काटा। अच्छा। काट रहा था। कैसी जानकारी हुई आपको? तो फोन यहाँ से जब फोन आया उनके घर से बगल वालों मोहल्ले वालों ने फोन किया, तब वहाँ से दौड़ते हुए सब लोग गए वहाँ। तब हम लोगों ने देखा तो खून से लथपथ पड़ी थी, तब उसको अस्पताल लेकर आए हैं। डॉक्टर साहब ने देखा है, टाँका को लगाए, बोला रिफर कर दिया बांदे के लिए, गंभीर हालत है उसकी। अच्छा, इसका जो आरोपी पति है तो क्या पुलिस गिरफ्तार भी कर लिया, उसको ले गई है कोतवाली, अब देखो क्या करती। खाली उसी लड़के भर को गिरफ्तार किया गया अभी। क्या नाम है आपका? मेरा महेश कुमार सोनी है। भैया क्या नाम है आपका और ये क्या घटना हुई है, इनके गले में चोट कैसे आई है? नाम जी, ये इनका हस्बैंड जो दारू पीता है और रोज लड़ाई झगड़ा करता था, आज अचानक हमको पता चला, हम इनके घर डॉक्टर गए तो ये देखा कि वहाँ खून कच्चर पड़ी हुई थी, तो वहाँ जल्दबाजी में लेके इनको जिला अस्पताल और सदर अस्पताल में पहुंची, इसके बाद जिला अस्पताल लेके यहाँ एडमिट करवाया हुआ है और इनके चोट बहुत ज़्यादा गंभीर है। घायल कौन है आपकी? ये बड़े भाई साहब के हमारे साली हैं। अच्छा अच्छा, पूरी घटना क्या है, क्या है पूरा, किस बात को लेकर के ये घटनाक्रम हुआ? भाई साहब ये सब हम नहीं बता सकते क्योंकि हम वहाँ मौजूद नहीं थे, हम लोग जब पता चला तब हम लोग वहाँ पहुँचे हैं। क्या पता चला आपको? पता चला था कि इनकी इनकी सिस्टर ने भाई साहब के पास फोन किया, हमारा भाई आपके भाभी मतलब भैया की साली की गर्दन काट रहा है। तब हम लोग वहाँ दौड़ते हुए पहुँचे तो अंदर से दरवाजा बंद किया था, दरवाजा तोड़ के जब हम लोग अंदर पहुँचे तब इनको फोन से लैपटॉप पाया और लेके हम लोग जिला अस्पताल सरकारी अस्पताल भगे, इसके बाद जिला वहाँ एडमिट कर रिफर करवा के जिला अस्पताल आए। क्या आरोपी पकड़ लिया? क्या आरोपी को? हाँ, उसको आरोपी को पकड़ के वही अभी कोतवाली सौंप दिया गया है। क्या नाम है उनका? गणेश प्रसाद। किससे वार किया है? चाकू से। चाकू से? लगभग कितने वार किए? वार किए हुए करीब 7-8 वार हैं, गर्दन काफी कटी हुई है। एक महिला आई थी घायल अवस्था में, पुलिस लेके आई थी, क्या आज करीब 12:15 बजे पुलिस और महिला के परिजन महिला को घायल अवस्था में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बबेरू आए थे। महिला का नाम मन्नो, वाइफ अब गणेश चंद्र सोनी, उम्र लगभग 33 साल, अतर निवासी अतर रोड बबेरू, जिसका प्राथमिक उपचार करने के बाद जिला अस्पताल बांदा रेफर कर दिया गया है। कस्बा बबेरू में अतर्रा रोड पर रहने वाले एक दंपत्ति हैं, उनके बीच में पति पत्नी बीच में आज विवाद हुआ और इस विवाद में पति ने जो है अपने पत्नी को चाकुओं से कई वार किए हैं और वो जख्मी हालत में उसको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया है और उसके पति को गिरफ्तार कर लिया गया है और इसमें अन्य वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। सर क्या कुछ वजह थी हमला करने का, कुछ जानकारी? अभी पूरी वजह स्पष्ट नहीं हो पाई है, ये पति पत्नी का घरेलू कोई मामला था जिसकी वजह से विवाद हुआ था।